देश जो है बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गया है, जो कि ये इंसिडेंट्स दिखा रहे हैं कि ऐसी ऐसी जगह जहां हम सोच भी नहीं सकते थे, जहां हमारे जहन में कभी था ही नहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वहां पर भी हो गया, हो रहा है। हिमाचल में हुआ, हम लोग भी ये समझते थे कि हिमाचल में ये सांप्रदायिकता की बीमारी नहीं है, तो इसलिए अब की बार बहुत आश्चर्य हुआ कि कितनी जल्दी से ये हो गया और कितनी तेज़ी से फैल गया हिमाचल के कई जगहों में। और ये यही बात दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में जो ये हिंदुत्ववादी संस्थाओं ने जो काम किया है, बीजेपी, आरएसएस और दूसरे और ऑर्गेनाइजेशन, उसकी वजह से ये सांप्रदायिक जहर कम से कम अंदर अंदर काफ़ी फैल गया है, और जिसकी वजह से इतनी जल्दी से ये मोबिलाइजेशन वगैरह कर सकते हैं और इस तरह के हालात बना सकते हैं। और दूसरी बात ये भी दिखा रहा है ये जो इंसिडेंट हुए हैं कि कांग्रेस भी इस बीमारी से अछूती नहीं है, और कांग्रेस में भी कई लोग हैं जो चाहे वो आइडियोलॉजिकली सांप्रदायिक ना भी हों, लेकिन कम से कम अपॉर्चुनिस्टिकली सांप्रदायिक हैं। उनको लगता है कि भाई हम सांप्रदायिक बन के वोट ले सकते हैं हिंदुओं की, इस तरह की भावना कांग्रेस में भी कई लोगों में आ गई, और ये बहुत खतरनाक चीज़ है, जिसमें कि खासकर ऐसे समय में जब जहां राहुल गांधी जो हैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिसका मेन मैसेज ये है कि भाई भारत एक देश है, सब सारे संप्रदाय जो हैं एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और उसी में हमारे देश की भलाई है, उसी में हमारी स्ट्रेंथ है, तो ऐसे समय में अगर कांग्रेस के मंत्री लोग या कांग्रेस के अहम लीडर्स इस तरह का की हरकत करें जैसे कि हिमाचल में देखी गई, तो मेरा तो ये मानना है कि राहुल गांधी जैसे नेता का ये दायित्व है कि वो इन लोगों को पार्टी से निकाल दें। देखिए, हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कई बार शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ये सोच कर कि भाई अगर हम इनको पार्टी से निकाल देंगे तो पार्टी अभी टूट जाएगी, ये इलेक्शन हम जीत नहीं पाएंगे, इस तरह की सोच के कारण इस तरह के कई लोगों को अपनी पार्टी में बनाए रखती है, जो जिनके बारे में पता है कि वो बेईमान हैं या सांप्रदायिक हैं, और इसलिए ये ज़रूरी है कि इन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ये लॉन्ग रन में काउंटर प्रोडक्टिव है। आप इस तरह का सांप्रदायिक खेल भाजपा से बेहतर नहीं खेल सकते, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे भाजपा को ही फायदा होएगा। और तीसरी बात जो मेयर साहब ने बोली ये सबसे ज़रूरी है कि देखिए, अगर हमको इन सब चीज़ों से बचना है तो हमको काउंटर मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा। जो अच्छे लोग हैं जिनमें ये जिनके जहन में ये सांप्रदायिक जहर अभी नहीं घुसा है, उन लोगों को इकट्ठा करना होगा, उनको मोबिलाइज करना होगा। मैं तो बहुत सालों से ये बात कहता हूँ कि देखिए, हम तो लड़ाई दो स्तर पर लड़नी है, एक तो सोशल मीडिया पर, जो कि आज बहुत इम्पोर्टेंट हो गई, इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया, जिसके ज़रिए भाजपा ने ये बहुत जहर फैलाया है व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए, लेकिन हम लोग उसको काउंटर कर सकते हैं। हम लोग भी उनके तो पेड ट्रोल्स हैं, हम लोग वॉलंटियर आर्मीज बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं, कैंपेन्स कर सकते हैं, जो ये दिखाने के लिए कि भाई इससे ये सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने से तो देश कमज़ोर होगा, आपस में लड़वाने से देश कमज़ोर होगा, और इसके हम पुराने बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा सकते हैं कि कैसे मिलजुल कर लोग रहते रहे देश में, कि मुसलमानों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, और आरएसएस वगैरह का तो खैर बिल्कुल भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो वो हमको सोशल मीडिया पर भी करना है, और वो हमको सड़क पर भी, ज़मीन पर भी करना है।
मैं बहुत सालों से ये बात कह रहा हूँ कि हमको हर जगह हर शहर में, शिमला जैसे शहर एकदम बिल्कुल राइप एग्जांपल है उसका, हमको एक कम्युनल हार्मनी कमिटी हर शहर में बनानी चाहिए, जहाँ पर भी हमको लगता है कि यहाँ पर सेंसिटिव हो गया है मामला, इस तरह के दंगे करे जा सकते हैं, वहाँ कम्युनल, जिसमें कि हर संप्रदाय के बहुत ही माने हुए लोग होने चाहिए जो सेकुलर हैं और वहाँ पर रिस्पेक्टेड हैं उस एरिया में, उस शहर में, उनकी कमिटी हो जो ये देखे कि कहाँ पर इस तरह की कुछ कोशिशें हो रही हैं, उसको नाकाम करने के लिए लोगों को आगाह करें, फिर इस तरह के फेस्टिवल्स और फंक्शंस ऑर्गेनाइज करें जहाँ पर हर संप्रदाय के लोग आपस में आकर मिलें जुलें, क्योंकि आज जो एक दूसरी प्रॉब्लम हो रही है वो घेटोआइजेशन होता चला जा रहा है, कम्युनल घेटोआइजेशन, कि मुसलमानों को एक जगह कर दो, हिंदुओं को एक जगह कर दो, उनका कम्युनिकेशन ख़त्म कर दो। तो इसको तोड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई कम्युनल घटना होती है तो उस पर तुरंत, ये जो फैक्ट फाइंडिंग करी गई, तो उस तरह की जो कम्युनल हार्मनी कमिटी होगी उसको करनी चाहिए और रिपोर्ट जारी करनी चाहिए और जवाबदेही की मांग करनी चाहिए, उसके लिए गुहार करनी चाहिए। तो हमको ये सब काम करने पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज हमारा देश जो है बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गया है, जो कि ये इंसिडेंट्स दिखा रहे हैं कि ऐसी ऐसी जगह जहां हम सोच भी नहीं सकते थे, जहां हमारे जहन में कभी था ही नहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वहां पर भी हो गया, हो रहा है, बहुत ही खतरनाक चीज़। जैसे भाषा में विवाद आता है वैसे ही धर्मों में भी विवाद फैलाया जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि एक ही मजहब पे जब एक देश बना था, हमारे पड़ोसी देश, वो भाषा पे टूट गया था। तो जब हम इतने सारे भाषाएं बोलते हैं, इतनी सारे भाषाओं में हम एक दूसरे को समझते हैं, तो बहुत एक दूसरे को धर्म पे क्यों नहीं समझ पाते हैं? हम संविधान के बारे में हम कितने भी बोले, संविधान का जो पहला जो प्रियम्बल है, जिसे मैं कभी कभार ये भी कहता हूं कि वो हमारे हिंदुस्तान के आईन का सूरा फातिहा है, तो उसमें एक बड़ा एक शब्द है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, वही है हमारे संविधान और हमारे इस देश को चलाने की एक इकलौती चाबी। हम एक दूसरे को जब तक बंधुत्व से नहीं देखते हैं, जब हम ये नहीं मानते हैं कि आपका जितना हक है इस देश में हमारा भी उतना ही हक है, और जब आपका हक गढ़ाया जाता है तो हमारा भी हक घटता है। तो ये जो हिमाचल में हुआ, और प्रमिला जी ये कह रही थी कि देखिए हिमाचल के बारे में प्रशांत जी ने कहा, तंवर साहब ने कहा कि ये सब चीज़ें पहले नहीं होती थी। प्रमिला जी ने हमसे साइड में कहा पहले कर्नाटक में भी नहीं होती थी। हाँ, बहुत से ऐसे जगह जहाँ ये सब नहीं होती थी और होने लगी है, और वो क्यों होने लगी है? एक तो करवाया जा रहा है, एक तो ऐसे जो दरारें फैलाने से लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा हो रहा है, और अगर हम हर चीज को सिर्फ पॉलिटिक्स के नजरे से देखते हैं और इंसानियत के नजरे से नजरों से या बंधुत्व के नजरों से नहीं देखते, तो हमारा देश अपने आप कभी ना कभी ऐसे मोड़ पे आ सकता है जहां से हम वो बंधुत्व वापस नहीं पाए। तो ये हम सबका दायित्व है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी है वो सिर्फ एक शब्द ना रहे, हम हमारा जिम्मा है, हमारी अमानत है
और इस भाईचारे को बढ़ाने के लिए जो करना है और जो भी कुछ कर रहा है उसके समर्थन में आए।